वेलकम बैक, स्वागत है आपका। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे अभी प्रीपोजिशंस चल रहे हैं और मैं आपको वन बाय वन सभी प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और आज अपन नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। आज जो का प्रीपोजिशन होगा वो होगा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब होता है से। तो आप यहाँ जानिए कि फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है उसके बहुत सारे यूज होते हैं। तो अब हम वन बाय वन उनके यूजेस के बारे में यहाँ जानेंगे। तो फ्रॉम के जो पहला जो यूज होगा, तो अपन देखते हैं कि फ्रॉम के जो यूज है उसमें जो पहला जो फ्रॉम का जो यूज आता है वो आता है किसी से अलग होने। से अलग होने के अर्थ में, कहीं से अलग होने के अर्थ में अपन फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे ही वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, कि वह क्लास से कक्षा से अनुपस्थित था। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री, यानी आम पेड़ से गिरा तो वो वहां से अलग हुआ। तो ये अपना फ्रॉम का फर्स्ट यूज हो गया। सही यूज होगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में या फिर डिस्टेंस दूरी बताने में भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे ही केम फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आया, वहां से यहां आया। नेक्स्ट, इट इज ओनली ए फ्यू स्टेप्स फ्रॉम हियर टू द हॉस्पिटल। इसका मतलब क्या कि अस्पताल जो है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो इस प्रकार से एक स्थान दूसरे स्थान के लिए या फिर डिस्टेंस बताने के लिए भी फ्रॉम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इसके यूज होंगे, फ्रॉम के जो नेक्स्ट जो यूज होंगे वो हम देख रहे हैं। जैसे यूज नंबर थर्ड होगा कारण बताने में, किसी चीज का रीजन बताने में या कारण बताने में भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे सी सुपर फ्रॉम हार्ट डिजीज, यानी उसे दिल की बीमारी थी, यानी कि वह दिल की बीमारी से पीड़ित था। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, वह मलेरिया से बीमार था, मलेरिया से ग्रसित था। तो यहाँ रीजन बताया गया है से, भाई किससे हुआ है, क्या हुआ है। नेक्स्ट यूज होगा जैसे तक, समय बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, यानी कि हम सुबह से रात तक काम करते हैं। नेक्स्ट होगा जैसे द शॉप विल बी ओपन फ्रॉम हाफ पास्ट एट, यानी कि जो दुकान है वो 8:30 बजे तक खुलेगी। तो यहाँ तक के अर्थ में भी समय बताने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। फ्रॉम के जो नेक्स्ट जो यूज होंगे, फ्रॉम के जो नेक्स्ट जो यूज होंगे वो होंगे जैसे फ्रॉम का यूज के द्वारा के अर्थ में भी अपन फ्रॉम का यूज करते हैं। के द्वारा के अर्थ में अपन फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लेयर, यानी कि जो ब्रेड है वो मैदे के आटे से बना है। फ्लेयर का मतलब क्या, मैदे का आटा। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे बटर इज मेड विद मिल्क, जो बटर है वो दूध से मिल्क से बना है। तो के द्वारा बना है या फिर से बना है के अर्थ में फ्रॉम का यूज हो गया। नेक्स्ट यूज होगा तुलना करने के लिए, किसी की तुलना करने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। एग्जांपल, जैसे ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, यानी कि वह उसके भाई से अलग है। तो यहाँ पर तुलना करने के अर्थ में अपन फ्रॉम का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा जैसे योर हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, यानी कि तुम्हारा जो घर है वो मेरे घर से अलग है। तुलना, यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में तुलना की गई है कि कौन कैसा है। तो इस प्रकार से फ्रॉम के यूज कंप्लीट होते हैं। अब है नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है उसके बारे में अपन जानते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट प्रपोजिशन होगा वो होगा टू। अब अपन जानेंगे टू के बारे में। तो टू का जो अर्थ होता है वो होता है गो या फिर से तक। बहुत सारे अर्थ टू के निकलते हैं। वो सभी जो अर्थ जो टू के निकल रहे हैं वो उनके यूज के हिसाब से निकलते हैं। तो भाई ये अपन जानते हैं
टू की यूज, टू का जो फर्स्ट यूज होगा वो होगा दिशा बताने के, डायरेक्शन बताने के लिए अपन टू का यूज कर रहे हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता है, तो यहाँ स्कूल जाने के लिए टू का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम वाज गोइंग टू द टेम्पल, तो यहाँ राम मंदिर जा रहा था, तो टेम्पल जाने के लिए टू का यूज किया गया है। नेक्स्ट यूज होगा तक, तक के अर्थ में भी अपन टू का यूज करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, जैसे द वाटर केम टू अवर नेक, अर्थात इसका मतलब हो गया कि पानी हमारी गर्दन तक आ गया, तो यहाँ पर टू का मतलब हो गया तक, टू का मतलब हो गया तक। और नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, यू शुड फिनिश दिस वर्क फ्रॉम जनवरी टू मार्च, यानी कि तुम्हें यह काम जनवरी से मार्च तक, फ्रॉम का मतलब से और टू का मतलब हो गया तक, तक कर लेना चाहिए। इस प्रकार से दो यूज अपन ने टू के पढ़े हैं। टू के जो नेक्स्ट जो यूज होंगे, टू के जो नेक्स्ट यूज होंगे, टू का जो नेक्स्ट यूज होगा वो होगा पर्पस के लिए, पर्पस अर्थात उद्देश्य के लिए, उद्देश्य या किसी परियोजना, उद्देश्य या किसी परियोजना के लिए भी हम टू का यूज करते हैं। जैसे ही इनवाइटेड मी टू डिनर, उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया, आमंत्रित किया। नेक्स्ट यूज होगा ही कम्स टू सी मी, वह मुझे देखने के लिए आता है, तो यह एक प्रपोज हो गया, एक परियोजना हुई, उसके लिए अपन ने टू का यूज किया है। नेक्स्ट टू का यूज होगा वो होगा टुवार्ड्स के लिए, टुवार्ड्स का मतलब हो गया कि प्रति, तो हो गया के प्रति, अर्थात यू शुड बी काइंड टू एनिमल्स, तुम्हें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए, काइंड यानी दयालु होना चाहिए। एंड ही वेरी सिंपैथेटिक टू द पुअर, वह गरीबों के प्रति बहुत संवेदनी है, संवेदनशील है, तो यहाँ पर के प्रति और उद्देश्य या परियोजना के लिए भी अपन टू का यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रीपोजिशन टू के जो यूज है वो आज मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन होगा, नेक्स्ट जो अपना प्रीपोजिशन होगा वो होगा इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने या फिर ठीक सामने, और यही इसका यूज होता है। जब भी कोई वस्तु या फिर कोई चीज अपने सामने होती है तो उसे शो करने के लिए अपन इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। तो इसे अपन एग्जांपल के माध्यम से भी एक बार समझ लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ के एग्जाम्पल होंगे, जैसे एक कार वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, यानी कि एक कार मेरे घर के सामने खड़ी है, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने खड़ी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ राम, वह राम के सामने खड़ा है, के सामने खड़ा है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा, टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि अध्यापक जो है वो स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों के सामने, विद्यार्थियों के सामने बैठा है, तो यहाँ पर के सामने के अर्थ में हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आज अपने दो तीन प्रीपोजिशन कंप्लीट हुए हैं। तो नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।